हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ इंस्टेंट लड्डू, वो भी बूंदी के। ये बहुत जल्दी बनता है और बनाना उतना ही आसान है। ये मैं मुश्किल से आपको ये बनाने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए बनाते हैं बूंदी के लड्डू। ये देखिए कितने सॉफ्ट है ये और कितने जूसी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये रेडीमेड बूंदी ली है, बिना नमक वाली जो बूंदी आती है वो है। मैंने इसका लिया है ब्रिज का, आप चाहे तो बीकाजी का भी आता है, जिसका भी आता है आप ले लें। और यहाँ पे ये मैंने 3 कप बूंदी लिया है, ग्राम में ये 200 ग्राम है बूंदी, और ऐसे कप से अगर नापा जाए तो 3 कप है। तो उसी के हिसाब से हम चीनी लेंगे। तो चीनी भी मैंने 3 कप बूंदी के लिए उसका आधा चीनी लिया है, तो ये 1.5 कप चीनी है। और यहाँ पे 1 कप हम पानी लेंगे। टोटल क्वांटिटी हो गई कि 3 कप बूंदी है, 1.5 कप चीनी और 1 कप पानी। चीनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और जो हमने 1.5 कप चीनी ली है वो डाल देंगे। यहाँ पे बूंदी की क्वांटिटी 3 कप है, मैंने 1 कप सेट कर लिया है। इस कप से मैंने 3 कप बूंदी लिया है, तो इसी कप से हम 1.5 कप चीनी लेंगे और इसी कप से यहाँ पे हम जो पानी लेंगे वो 1 कप लेंगे। तो अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं। इसे हम चलाते हुए चीनी को पिघलने तक पका लेंगे। चीनी जब पिघलने लगे तब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर, जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो, रेड ऑरेंज, जिस कलर में आप लड्डू खाना पसंद करते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। चीनी को हमें ज़्यादा इसकी तार्किक चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी जितनी देर पिघल जाए बस उतनी देर ही हमें इसे पकाना है। थोड़ी सी में चीनी, बहुत से वक्त पकने के बाद, चीनी को पिघलने के बाद 1 मिनट और पकाना। चीनी जो है पिघल गई है, अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने बूंदी ले रखी है वो। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। दो मिनट इसमें हम पका लेते हैं इसे। ये लड्डू जो है बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है, तो आप इंस्टेंट बूंदी मंगाएं घर पे और लड्डू बना के खाएं, बहुत टेस्टी भी लगेगी। तो ना घंटों बूंदी बनाने का झंझट और ना कुछ, आपका ये लड्डू मुश्किल से 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। दो मिनट हो गए हैं, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसे ढक दें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें ऐसे ही। बूंदी को ढके हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं खरबूजे का बीज, ये ऑप्शनल है, इसे लड्डू का जो है वो देखने में अच्छा लगता है। तो 1 बड़ा चम्मच हम डाल दें। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। बहुत ज़्यादा हमें इसे ठंडा नहीं होने देना है, बस हल्का सा गर्म रहने देना है जिस समय हम लड्डू बनाएंगे,
बस इसलिए ठंडा करते हैं क्योंकि लड्डू का शेप देने वक्त हाथ जले नहीं, तो हल्का सा ठंडा हो जाने देते हैं। ये बूंदी जो है ठंडी हो गई है, एक बार हम इसे मिक्स कर देते हैं। ये हमारी छूने लायक ठंडी है। अब हम हाथों पे पानी लगा लेते हैं, अपने हाथ को गीला कर लेंगे और इसे लड्डू का शेप देंगे। इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। एकदम अगर ठंडा कर लेंगे बूंदी को तो फिर वो अलग अलग सूख जाएगा, तो एकदम ठंडा ना करें। ऐसे करके सारे लड्डू बना ले। ये सारे लड्डू मैंने बना लिए, इसी तरह आप सारे लड्डू बना ले।